कोई इशारा नहीं करूंगा, लेकिन आप पहुंच जाएंगे मैं जहां आपको पहुंचाना चाहता हूं। कि कितनी बेअदबी से उनका नाम पुकारा जाता है, पूरे हिंदुस्तान में सुबह शाम पुकारा जाता है, पूरे हिंदुस्तान में सुबह शाम पुकारा जाता है। सुशासन बाबू था। अब अगले मिसरे पे आपकी तालियों का शोर जाए बिहार तक। पूरे हिंदुस्तान में सुबह शाम पुकारा जाता है, कल तक जिस महफिल में उनका नाम सुशासन बाबू था, आज उसी में उनको पलटूरा पुकारा जाता है, पूरे हिंदुस्तान में सुबह शाम पुकारा जाता है। एक ऐसा दौर है साहब कि जब जिन जिन आवाजों को सच की सदाएं बुलंद कर दी थी, ज्यादातर आवाजें या तो बिक गई या तो खामोश हो गई या खामोश कर दी गई। ऐसे में डाइस पे बैठे हुए शोरा हजरात की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं कि वो थोड़ा सा सच बोलें, थोड़ा सा तो सच बोलें, क्योंकि अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। मैं चार मिसरे और पढ़ता हूँ, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बस इसी तरह आपकी दुआएं मिलती रहे तो इंशाल्लाह मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं, और ऐसे रात रात में मुशारे हुए तो होंगे भी नहीं। मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ, इधर का भी जो दोस्त है उनसे भी गुजारिश करता हूँ। मैं जिंदगी में पहला ऐसा मुशारा देख रहा हूँ जिसमें पेड़ों पर चढ़ करके लोग मुशारा कर रहे हैं। ये दुनिया का सबसे अनूठा मुशारा है। हसनैन जिया को और आफ्ताब साहब को इस मुशायरे के लिए खुसूसी मुबारकबाद। ये मुशारा पूरी जिंदगी मेरे लिए यादगार है। अल्हम्दुलिल्लाह पेड़ों पर चढ़ करके लोग इस मुशायरे को सुन रहे हैं रात के 2 बजे के आसपास। मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ साहब और वहां तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ जिन तेवरों के लिए या तो बहुत बदनाम हूँ या बहुत मशहूर हूँ। पढ़ता हूँ साहब कि देश भक्ति कभी न्याय के नाम पर, देश भक्ति कभी न्याय के नाम पर मुल्क बेचा गया चाय के नाम पर। इधर कभी दोस्त है उनकी भी बड़ी शिरकत हो। मैं पढ़ता हूँ साहब के देश भक्ति कभी न्याय के नाम पर मुल्क बेचा गया चाय के नाम पर, आज इंसान खुद जानवर हो गया, जान लेता है वो गाय के। गाय के नाम पर जान लेता है वो गाय के नाम पर। बहुत पिछले 3-4 दिन से बुखार है, शिद्दत से बीमार हूँ, गला बहुत खराब है। मैं बहुत डरा डरा आया था कि पता नहीं आपको सुना पाऊंगा या नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन जिस तरह आपने मोहब्बत दी है उससे मुझे ये एहसास हो गया है कि इंशाल्लाह थोड़ी देर आपकी खिदमत कर सकूंगा। डाइस पे अभी तक 3 शारात थी, एक का और इजाफा हुआ है, अब 4 शायरा आपकी डाइस पर है। कोई बात नहीं, 4 जायज भी है।
तो कोई मसला नहीं, बिहारी लाल अमरो साहब हमारे बीच में आए हैं, तबीयत उनकी भी शायद थोड़ी सी खराब है, कम से कम वो हाजिर हो गए। मैं चार विषय और पढ़ता हूँ, थोड़ा सा आपकी बेदारी मांगता हूँ। यकीनन ये मुश्किल दौर है, यकीनन ये आप पर जुल्म और सितम की इंतहा का दौर है, लेकिन जुल्म और सितम और इस्लाम का रिश्ता तो बड़ा पुराना है साहब, 1400 साल पुराना रिश्ता।